नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। भाइयों बहनों, आज अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद के पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम आज ईवीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी पर्यावरण से संबंधित विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों के बारे में बताएंगे। दोस्तों, जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है यानी कि पिछली जितनी भी टेट सुपर टेट परीक्षाएँ हुई हैं, इन परीक्षाओं में इन क्वेश्चनों का समावेश है, तो हम वहां से इन क्वेश्चनों को उठाए हैं और आप लोगों के लिए लेके आए हैं। दोस्तों, हम चाहेंगे कि यह वीडियो आप लोग पूरा देखें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है, और उसी बीच में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। प्लीज़ दोस्तों, रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को भी लाइक करिएगा। तो दोस्तों, हम ज़्यादा बहुत कुछ न बताते हुए आप लोगों को सीधे क्वेश्चन की तरफ लेके चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है मोटर कार, मोटर कार एवं सिगरेट से निकलने वाली रंगहीन गैस कौन सी होती है? तो उत्तर हमारा है कार्बन मोनोऑक्साइड। उत्तर क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। दोस्तों, ये इसमें गलती से लिख छप गया है। तो जो मोटर कार एवं सिगरेट से निकलने वाली जो रंगहीन गैस है वो कौन सी होती हैं? तो कौन सी होती हैं गैस? कार्बन मोनोऑक्साइड, जो वातावरण को हमारे बहुत प्रभावित करती हैं, जिससे पर्यावरण हमारा क्या होता है? प्रदूषित होता है। दोस्तों, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा दूसरा है वायु प्रदूषण के जैविक समूह सूचक का कार्य कौन करता है? वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का कार्य कौन करता है? उत्तर है लाइकेन। कौन करता है? लाइकेन करता है। दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करना नहीं भूलेंगे। और दोस्तों, हमें उम्मीद है कि जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोगों को पसंद आएंगे और आप लोगों के लिए बहुत अच्छे और उचित हैं, कि मतलब किसी भी एग्ज़ाम में यह हेल्प करेंगे या सपोर्ट करेंगे। तो क्वेश्चन तीसरा है फ्रिज हमारी है, फ्रिज में कौन सी गैस भरी जाती है? जो फ्रिज है, फ्रिज में कौन सी गैस भरी जाती है? उत्तर है मैक्रोन। कौन सी? मैक्रोन गैस। फ्रिज में कौन सी गैस भरी जाती है? मैक्रोन गैस। अगला क्वेश्चन हमारा है सूर्य से आने वाली हानिकारक पराग बैगनी विकिरण कारण क्यों हो सकता है? विकिरण का कारण क्या हो सकता है? यानी कि जो सूर्य से पराग बैगनी किरण आती हैं, तो उसका असर अगर होगा तो क्या हो सकता है? तो उत्तर है स्किन कैंसर। यदि वह विकिरण, मतलब वह सूर्य की जो पराग बैगनी किरणें हैं, वो अगर नीचे आ जाती तो उससे क्या होता? स्किन कैंसर होने लगता सभी व्यक्तियों को। लेकिन सूर्य की पराबैंगनी किरणों को रोकती कौन है? ओजोन परत रोकती है। वह सूर्य के पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है, जिससे सभी मनुष्य अभी भी सुरक्षित हैं। नहीं तो स्किन कैंसर होने लगता और सभी व्यक्ति उससे क्या होने लगते? परेशान होने लगते। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भाषा में किस राष्ट्रीय उद्यान में घड़ियाल की दोस्तों भारत में किस राष्ट्रीय उद्यान में घड़ियाल की संख्या सर्वाधिक है? यानी भारत का कौन सा ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें सर्वाधिक रूप से क्या पाए जाते हैं? घड़ियाल पाए जाते हैं। तो उत्तर है भितरकनिका उड़ीसा में। जो भितरकनिका उद्यान है वो कहाँ पर है? उड़ीसा में है। यहाँ पर अधिक मात्रा में क्या पाए जाते हैं? घड़ियाल। तो भारत में कौन सा ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ पे अधिक मात्रा में घड़ियाल पाए जाते हैं? तो उत्तर है भितरकनिका। कहाँ पे है ये? उड़ीसा में है। भितरकनिका उद्यान कहाँ पे है? उड़ीसा में है। भितरकनिका उद्यान कहाँ है? भारत के उड़ीसा राज्य में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो उत्तर है नॉर्मन बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। हरित क्रांति
आय क्यों थी? तो फसल उत्पादन के लिए, यानी अच्छी किस्म की फसल उत्पादन के लिए हरित क्रांति लाया गया था। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, यानी भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है तो किसको माना जाता है? तो डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन को, डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। और आप लोगों को मैं बताया ही हूँ कि हरित क्रांति आई क्यों थी, तो अच्छे किस्म के फसलों को, अच्छी किस्म की फसलों के उत्पादन के लिए हरित क्रांति का, हरित क्रांति को लाया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो उत्तर है 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो उत्तर है रविंद्र कुमार सिन्हा को, उत्तर है रविंद्र कुमार सिन्हा को डॉल्फिन मैन ऑफ द इंडिया कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। भारत में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पक्षियों के स्वर्ग के नाम से जाना जाता है? तो भारत में कौन सा ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जिसे हम पक्षियों का स्वर्ग के नाम से जानते हैं? तो उत्तर है केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? राजस्थान में है। कहाँ पे है? राजस्थान में है। केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान को किसके नाम से जानते हैं? तो पक्षियों के स्वर्ग के नाम से जानते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रेड डाटा बुक में संकटापत्रे जीवों को किस रंग के प्रश्न पर दर्शाया जाता है? रेड डाटा बुक में संकटापत्र जीवों को किस रंग के प्रश्न पर दर्शाया जाता है? तो उत्तर है गुलाबी, उत्तर है गुलाबी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सोलर कुकर किन किरणों से ऊर्जा अवशोषित करता है? जो सोलर कुकर है वो किन किरणों से ऊर्जा अवशोषित करता है? सूर्य की जो अवरक्त किरणें हैं उससे सोलर ऊर्जा को अवशोषित करता है। ठीक है दोस्तों यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर भी करिए, चैनल का सपोर्ट करिए। दोस्तों अधिक से अधिक चैनल का सपोर्ट करिए, इधर उधर वीडियो को शेयर करके अपने दोस्तों में चैनल का सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करिए। दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोग फुल सपोर्ट इस चैनल का करेंगे, क्योंकि यह जो चैनल है आप लोगों का ही है। दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोग वीडियो को पूरा वॉच करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण धारणीय करने के लिए आवश्यक जो न्यूनतम भूमि होती, कम से कम भूमि होती है, उसे क्या कहते हैं? तो उत्तर है परिस्थितिकी पदछाप कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा अगला है। भारत में परिस्थितिकी असंतुलन का प्रमुख कारण क्या है? भारत में परिस्थितिकी असंतुलन का प्रमुख कारण क्या है? तो उत्तर है वनोन्मूलन। क्या है? वनोन्मूलन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। परिस्थितिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो उत्तर है अर्नेस्ट हैकल को परिस्थितिकी का जनक कहा जाता है। दोस्तों भाइयों बहनों, आज का यह वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, ताकि चैनल का फुल सपोर्ट हो सके और आप लोगों से भी
उम्मीद है कि आप लोग चैनल का सपोर्ट ज़रूर करेंगे और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। हम अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।